हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे गली न्यूज़ की जो मुहिम थी, जो हिजाब में जो लेडीज़ आज एक टॉप ओहदे में है, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए हमारा आप लोगों को ये दिखाने का यही मकसद था, मकसद है कि हम बताना चाहते हैं कि हिजाब में भी एक औरत जो है एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बिजनेसमैन, बिजनेस वूमन बनी हुई है, स्पोर्ट्स कैटेगरी हो, लॉ। अभी यहाँ पर हमारे साथ है फराना शाह, एडवोकेट फराना शाह, बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और हम जो है बहुत सारे मैटर्स जो हैं इन्होंने हैंडल्स किया है। हम आपको बता दें कि बॉम्बे बॉम ब्लास केस 93 का इनके पास था, संजय दत्त को इन्होंने डिफेंड किया है और अजमल कसाब के लिए भी जब कोई लॉयर्स नहीं था तो मेरे ख्याल से उन्होंने उसके भी उसमें डिफेंस में आए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फराना जी आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत सारे लोग इनवाइट किए उसके लिए जजाकल्लाह, यू डिजर्व इट। बहुत सारे लोगों ने आपका रिकमेंडेशन किया, हमने इसके पहले एक पब्लिक रिव्यू लिए कि 10 कैटेगरी में कौन कौन है, तो एडवोकेट में आपका नाम आया और दो चार लोगों का और नाम आया था। बट आपने बहुत सारे, आप सोशल पॉलिटिक्स में भी हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हो, मुस्लिम्स जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं हम आपने वो स्पीकर्स देखे हैं आपको और हर चीज़ में रहते हैं, तो कुछ बताइए आपके बारे में, क्या है फराना शाह? मैं अपने बारे में खुद क्या बताऊँ आपको, आप लोगों ने तो हमारा करियर देखा ही होगा, 1991 से अब तक के प्रैक्टिस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का करम है, उसके बाद हमारे फैमिली, स्पेशली माय मदर हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू मी, बिकॉज उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो बहुत कहेंगे ना कि एक इंसान एकदम बंधा हुआ रहता है, बिकॉज हमारे नाना का इंतकाल बहुत जल्द हो गया था तो अम्मी ऑर्फनेज में थे और वो ऑर्फनेज में रहने के बाद उन्होंने सिर्फ SSC तक पढ़ा था रहमत भाई स्कूल से। उसके बाद उनकी शादी हुई मेरे अब्बा से, तो मेरे अब्बा तो यू नो ही वॉज़ अ पर्सन हु वॉज़ स्लीपिंग इन मस्जिद, वो काम करते थे हबीब ट्रस्ट में लेकिन सोते थे मस्जिद में बिकॉज उनके पास अपना खुद का घर भी नहीं था। तो बड़ी जद्दोजहद करके उनकी जब शादी हुई तो बिकॉज माई मदर वॉज इन एन ऑर्फनेज, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अम्मी का घर है डोंगरी पर वो उनको वो शादी के इसमें उनको गिफ्ट मिला, गिफ्ट इन द सेंस कि इट इज़ अ ट्रस्ट प्लेस, सो ट्रस्ट के हिसाब से उनको वहाँ रहने के लिए जगह मिल गई। और फिर बस 62 में उनकी शादी हुई, उसके बाद जो शुरू चला है दौर, पढ़ाई लिखाई मतलब? जी हाँ, बहुत जद्दोजहद करे उन्होंने और हमारे अब्बा का उसूल था कि वो कभी किसी से एक रुपया ऐसे लेते नहीं थे, जैसे रहता है ना कोई रेंट कलेक्टर है कुछ भी है तो वो रेंट कलेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उनको फ़ायदा होता है, लेकिन मेरे अब्बा ने कभी किसी से एक रुपया तक नहीं लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हम लोगों में भी आई है, हमारे और हमारे भाइयों में। तो बस उस दौर जो था वो, उस दौर में पढ़ाना पढ़ना और पढ़ाना इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज उस वक्त इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे और इतने सारे लोग भी नहीं थे जो सपोर्ट करें जी। सिर्फ ये था कि हमारा जो खोजा फंड था वहाँ पे हम लोगों को बुक्स मिलती थी तो वो बुक्स हम लोग पढ़ें और फिर बाद में आफ्टर योर एग्ज़ाम्स एंड क्लियरेंस ऑफ एग्ज़ाम्स यू हैव टू रिटर्न दैट बुक टू द ट्रस्ट। तो बस वैसे ही हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई किए शुरू किए और SSC के बाद उस दौर में, हाँ मैं बताती हूँ आपको कि बेसिकली क्या है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट थोड़ा। तो SSC के बाद जो हमने शुरू किया वो हमारे इसमें ऐसा था कि हमको कुछ करना है, हमको कुछ बनना है और बस ऐसे ही नहीं बैठना है, तो मैंने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज किए, जैसे टेलीफोन ऑपरेटिंग का कोर्स किया, मेहंदी लगाने का कोर्स किया, स्टिचिंग का, हाँ वाइल्ड स्टडिंग मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। मेरे अब्बा थोड़े से हिचकिचाते थे और मतलब उनको ऐसा था कि नहीं मेरी बेटी की जल्दी शादी हो जाए और वो सेटल हो जाए, तो उनकी हिचकिचाहट भी अपनी जगह पे सही थी, लेकिन मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं अगर वो पढ़ सकती है, इतने अच्छे मार्क्स ला सकती है तो क्यों नहीं पढ़े। और अल्टीमेटली सोफाया कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ जहाँ पे गर्ल्स पूरी कॉलेज थी, तो फिर उन्होंने एग्री किया। अब 12th स्टैंडर्ड के बाद फिर से उनका यही कि नहीं आप पढ़ाई छोड़ दो और शादी हो जाए, मम्मी ने कहा वहीं तो ग्रेजुएशन करना है तो लेट हर कंप्लीट, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया
अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुझे बस मेरी चाहत थी कि मैं और पढ़ूँ, और घर के हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे, तो हमने फिर जॉब भी करना शुरू किया। आई वॉज़ वर्किंग इन अल हयात एज अ टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट, वहाँ भी मैंने काफ़ी सारे सर्विस। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। तो 1991 में मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया। ड्यूरिंग माय कोर्स ऑफ माय स्टडी मैं वहाँ पे जॉब भी अटेंड करती थी और पढ़ाई भी करती थी। तो 91 में जब मैंने कंप्लीट किया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अभी प्रैक्टिस करना है, तो वो लोग भी मुझे छोड़ने तैयार नहीं थे कि नहीं आप कंटिन्यू करो। मैंने बोला यहाँ रहकर मैं प्रैक्टिस तो नहीं कर पाऊँगी। खैर, कूद गए मैदान में, जद्दोजहद करते करते पहुँच गए यहाँ तक। और उस दौर में तो ऐसा था, आज अगर आप देखो तो गूगल पे बहुत सारी चीज़ें exactly. आपको मिल जाती है जी, जी, जी. बट उस दौर में ऐसा था कि हम लोगों का, हमको कुछ सर्च करना है या कुछ भी पढ़ना है तो वी हैड टू लिटरली रीड द बुक्स, ऐसे कोई फिंगर टिप्स पे नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट देखें, हाई कोर्ट के मैनुअल देखें, बहुत सारी चीज़ें देखें, 10 बुक जमा करें तब जाके एक पेज का मटेरियल मिले और फिर उसको हम प्रेजेंट करें। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने एज अ लॉयर, आपकी वेडिंग हुई, शादी नहीं हुई? उसके बाद हुई, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ जी कि 91 में हम ज्वाइन किए, बस 2 साल हुए थे, और 93 में बॉम्ब ब्लास्ट का केस हो गया। हमारे जो सीनियर थे तजम्मुल हुसैन सरदार, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनके साथ ही हमने काम शुरू किया था। तो उनके पास कुछ क्लाइंट्स आए थे जिसकी वजह से मैं ये केस में पहुंची, और हालांकि दैट वाज अ वेरी बिग केस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े केस में, बिकॉज जब 12 मार्च को ब्लास्ट हुआ था वो हमारे सामने ही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था कि हॉस्पिटल लेके जाते हुए, बिकॉज हम हाई कोर्ट में कोर्टरूम नंबर 40 में थे और उस वक्त बहुत सारे धमाके हुए थे जो हम लोगों ने सुने थे। तो एक थोड़ा एक डर भी था कि पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर की वजह से हम वो केस में गए। फिर जज साहब थे जस्टिस J.N. पटेल, जो ताड़ा कोर्ट के सेशंस कोर्ट के जज थे उस वक्त, तो उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट ब्रीफ दिए। आई वॉज हेजिटेंट, मैंने बोला मैं कैसे हैंडल करूँगी, बिकॉज मैंने कभी इतनी बड़ी ट्रायल हैंडल नहीं की है। उन्होंने कहा आपके सीनियर हैं आपको गाइड करने के लिए, ठीक है कर दिए। वो बंदे के लिए हमने बेल एप्लीकेशन फाइल की है, अल्हम्दुलिल्लाह पर्सनल बॉन्ड पे उसकी बेल हो गई, वेद कोहली करके एक एक्यूज था, अब बाद में आगे चल के जानू कामलिया वेद कोहली करके था, और नॉन मुस्लिम था। जी हाँ नॉन मुस्लिम था, और इंटरेस्टिंग या अल्हम्दुलिल्लाह बेल होने के बाद और उसी दौरान हमारे डैडी का भी इंतकाल हो गया। क्यों पूछ रहा हूँ, इंटरेस्टिंग में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ लोग ये देखेंगे राइट विंग्स वाले या कुछ देखेंगे तो बोलेंगे अरे ये हिजाबी औरत है और बॉम्ब ब्लास्ट वाले को छुड़ा रही है, इसलिए मैंने आपको नाम रिपीट किया कि नॉन मुस्लिम के लिए आप। जी 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 बिल्कुल, बिकॉज उस केस में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं थे, नॉन मुस्लिम्स भी बहुत सारे थे और हमने नॉन मुस्लिम्स के लिए भी फाइट किया है। जी जी, संजय दत्त के अलावा भी बहुत सारे एक्यूज थे। बात करते हैं संजय दत्त का, कैसा केस आया आपके पास? संजय दत्त का मैटर ऐसा था कि उनका, खैर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन बिकॉज मेरा रोज़ का रूटीन था, हम सेशन कोर्ट तो अटेंड करते थे, उसके बाद में जब हमारी कोर्ट बनी तो ताड़ा कोर्ट आथर रोड पर शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पर रोज़ जाना आना था, और उसी दौरान हमारे डैडी का भी इंतकाल हो गया। तो पटेल साहब भी वरीड थे, पूछ रहे थे कि आपने अभी तक वो वेद कोहली के लिए कुछ किया क्यों नहीं, तो किसी और उस्मान वंजारा सर थे, उन्होंने बताया कि उनके डैडी का इंतकाल हो गया, मेरे डैडी ट्रेन एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो बस वो वेद कोहली का छूटना था, और अल्हम्दुलिल्लाह केस इतना अच्छा था कि उनको सिर्फ पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया गया, और जज साहब ने मुझे खुद कहा कि आप जेल में जाकर उसको छुड़ा के लेके आओ, लेट हिम अटेंड नाउ एंड देन गो, फिर बाद में हम उसको जब ज़रूरत होगी तो बुलाएंगे, बिकॉज वो रायगढ़ का रहने वाला था। तो उनको जब बाहर निकले तो यकीन ही नहीं हो रहा था, वो मेरे पैरों में घिर के रो रहा था, और मुझे खुद को रोना आ रहा था कि मतलब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब यू नो इतना इमोशनल हो गया था वो कि यकीन ही नहीं हो रहा था उसको कि मैं सही में जेल से छूट गया हूँ। अल्लाह का करम कि बस बाद में डिस्चार्ज कुछ लोग हुए थे, 26 पीपल,
तो उसमें वेद कोहली का भी एक नाम था जिसको डिस्चार्ज कर दिए थे। भी आप थे उसमें? जी हाँ जी हाँ, डिस्चार्ज के लिए तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, काफ़ी लोग जो 26 पीपल डिस्चार्ज हुए वो हम लोगों ने, हमारी पूरी टीम थी ना, नितिन प्रधान सर थे, शुभदा कोट, मैं और दूसरे और दो तीन एडवोकेट्स, अब्बास काजमी वगैरह, हम लोग मिल के सब काम करते थे, डिस्चार्ज के लिए पूरा प्रिपरेशन करते थे। इन्हें समझिए ना कि रात में 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग कंटिन्यूस काम करते थे, और फिर उसके बाद मुझे प्रधान सर मुझे घर तक छोड़ के और फिर वो जाते थे अपने घर। तो मम्मी, लेकिन मम्मी को उन्होंने कहा था, नो, आई वाज नॉट मैरिड, शादी तो हमारी 98 में हुई। तो बस चल रहा था डिस्चार्ज में, जो लोगों का नाम दिए थे वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह डिस्चार्ज हुए। जब आप अजमल कसाब पे आते हो, उस केस में कैसे थे आप? अजमल कसाब का भी मुझे हाईकोर्ट से ही अपॉइंटमेंट हुआ था, बिकॉज हालांकि जब ट्रायल चल रही थी आर्थर रोड पर उस वक्त भी मुझे कहा गया था, लेकिन 14 ईयर्स मैंने जो ताड़ा का केस हैंडल किया और वहाँ पर जो कंटिन्यूस दिन रात, मतलब सुबह में समझो 10-10:30 बजे जाओ तो शाम में कभी कभी 8 भी बज जाते थे निकलते हुए, तो मैंने कहा अब मैं आर्थर रोड नहीं जाऊंगी, बस मैंने 14 साल का बनवास झेल लिया है, अब मुझे नहीं जाना है वहाँ। तो मैंने मना कर दिया था अजमल कसाब के ट्रायल के लिए। हिजाब में रहते थे? जी हाँ, उस टाइम से हिजाब में। जी हाँ, पहले से ही, हालांकि दुपट्टा वगैरह तो पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस में, कोर्ट में थोड़ा सर पे नहीं लग के घूमती थी, बट हिजाब में तो रहते ही थे। अजमल कसाब का फिर अपील जब हाईकोर्ट में आई तो उस वक्त भी जस्टिस जे एन पटेल वॉज एक्टिंग चीफ जस्टिस इन हाईकोर्ट, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आई वॉन्ट यू टू रिप्रेजेंट अलॉन्ग विद अ सीनियर, ऑब्वियसली बिकॉज कोई एडवोकेट तैयार नहीं था। जी, आई थिंक उस टाइम कोई एडवोकेट तैयार नहीं था, क्योंकि अजमल कसाब को डिफेंड करना बोले तो पब्लिक फायर। जी जी, बिकॉज इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। तो मिस्टर अमीन सोलकर और हम उनको रिप्रेजेंट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब अजमल कसाब का केस चला तो डॉक्टर साहब थे वो हयात थे और उन्होंने बहुत हमारा साथ दिए, यू नो कंटिन्यूसली, जैसे 98 में हमारी शादी हुई उसके बाद। एक यही मैं रोकता हूँ मैं, जी 98 में शादी हुई तो आपके हस्बैंड डरे नहीं यार, ये तो बॉम्ब ब्लास्ट वाले लोग के केस लड़ चुकी है, इतने बड़े बड़े वो केस लड़ती है, संजय दत्त का केस लड़ रही है, तो आपके हस्बैंड का मतलब कभी ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ही वॉज अ वेरी डेयरिंग मैन। अच्छा, उनके जैसी डायरिंग तो मेरे ख्याल से किसी और में भी नहीं होगी। वो हर औरत को लगता है, मेरी वाइफ भी मेरे बारे में। नो नो, ही वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, बिकॉज़ उनको इट वाज इट अ लव अफेयर और फैमिली अरेंजमेंट? नहीं, नॉट मींस एग्जैक्टली, नो, इट वाज नॉट फैमिली अरेंजमेंट्स, फ्रैंकली स्पीकिंग इट वाज माय प्रपोजल टू हिम, माशाल्लाह, बिकॉज़ मेरी उनसे दोस्ती हुई थी और हम लोग पब्लिक कंप्लेंट सेंटर, अगर आप जानते हो पाईदुनी पे है, पता है, वहाँ पे हम लीगल एडवाइजर हैं, रज़ाक भाई मनियार। जी मनियार सर, तो वहाँ पे हम लीगल एडवाइजर, आपको मैंने देखा हूँ जब फैमिली डिस्प्यूट सेटल होता है वहाँ पर। जी जी, तो वहाँ पर मतलब उन उस जरिए ही हमारी उनसे दोस्ती हुई थी और दोस्ती हमारी करीबन 6 साल रही। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आई थिंक वी शुड गेट मैरिड। शर्माए थे थोड़ा? बट ऐसा था बिकॉज मेरे ख्याल और उनके ख्याल बहुत मैच करते थे, और फ्रेंकली स्पीकिंग जो मैं सही बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मैं झूठ बोलती नहीं हूँ जल्दी बहुत। कोर्ट में आप बोलोगे कि कोर्ट में कैसे बोलते हैं, तो कोर्ट में हम इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं। लॉयर इज ऑलवेज अ लायर, एक कुछ प्रूफ चलता है। हाँ, बट दैट इज नॉट इन माई केस। जी जी जी, तो इनफैक्ट जब डॉक्टर साहब के साथ शादी का था दौर, तो उस वक्त मैंने उनसे कहा था, बिकॉज उनके और मेरे ख्यालात मिलते थे, ये एक चीज़ थी, और बिसाइड्स दैट ऐसा था कि हमारे घर में मेरे डैडी का इंतकाल हो चुका था तो कोई नहीं था, तो हम चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो मैं अपनी मम्मी को और अपनी फैमिली को हेल्प करूं, तो मतलब उसमें रोक टोक नहीं होने, तो आपको पता है ना कि एक लड़की काम करती है तो फिर वो हस्बैंड का रहता है कि नहीं, मतलब जो भी सैलरी मिले या जो भी वो कमाए तो घर में कंट्रीब्यूट करे, ये करे वो करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने मुझे कभी एक पैसा कितने में कमाती हूँ, कितना क्या करती हूँ, कभी उन्होंने मुझे नहीं पूछा, और कभी भी उन्होंने मुझसे ये नहीं सवाल किया कि तुम अपनी मम्मी को पैसे क्यों दे रही हो, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट वॉज द मेन थिंग। हाउ इज द लाइफ आफ्टर हिज डिमाइस, मतलब अचानक जो शॉक आया था?
2011 में उनकी जब डेथ हुई, इट वॉज रियली वेरी सैड. मिकल साहब आई कैन नॉट, वहाँ पर रहते थे, दिल्ली दरबार के सामने वहीं रहते हैं, अब भी हम वहीं रहते हैं बिकॉज उनका घर तो वहीं है. तो दैट वॉज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी, बट उनकी जो तमन्ना थी वो मैंने पूरी की. जैसे उनका कहना था, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाते थे बॉम्बलास की केस में, उन्होंने जो मेरा सपोर्ट किया, एनकरेज किया है, यहाँ तक उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि मुझे उन्होंने टारगेट शूटिंग सिखाई और मुझे अलहमदुल्ला एक इवेंट में टारगेट द बोट शूटिंग जो सिखाया, ये बोला था कि यही टारगेट इसको शूट करना. नहीं नहीं नहीं, वो शादी के बाद हम सीखे थे, पहले नहीं. जी हाँ, महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन जी. तो एक इवेंट में फर्स्ट आई थी मैं और एक इवेंट में मुझे थर्ड प्राइज मिला था. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उन्होंने मुझे सिखाया. उसके बाद उनके जाने के बाद तो बहुत ही सफ़र जो था वो बहुत मुश्किल था. मुझे ऐसा लग रहा था माय बैकबोन, माय लाइफ हैज़ कम टू एन एंड, बट नहीं, मुझे अपने बच्चों को देखना था बिकॉज मेरे बच्चे तो बहुत छोटे थे, दे वर स्कूलिंग दैट टाइम. एंड नाउ अगेन माई मदर वॉज विथ मी. तो मेरी मम्मी का मुझे पूरे दौर में बहुत ही सपोर्ट रहा अल्हम्दुलिल्लाह. शी वॉज रियली अ वेरी, यू नो, हालांकि उतना पढ़े नहीं है लेकिन उन्होंने हर दौर में मेरा साथ दिए. आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, जब 2018 में उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो पेसमेकर उनको लगाना पड़ा, तब मैं बहुत डर गई थी कि मम्मी, मतलब डॉक्टर साहब के बाद अब मम्मी पता नहीं, बट अल्लाह से दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से शी इज़ स्टिल अलाइव अल्हम्दुलिल्लाह. अब बताइए, और जब वो गए, डॉक्टर साहब का इंतकाल हुआ, तो उनकी ये तमन्ना थी, बिकॉज हम सुप्रीम कोर्ट में जाते थे तो उनका ये कहना था कि मैं चाहता हूँ कि तुम खड़े रह के पूरा दिन आर्ग्यूमेंट करो, जैसे अपील पूरा दिन चलती है, छोटे मोटे मैटर्स नहीं, जैसे बेल एप्लीकेशन है, एडमिशन है, वैसा नहीं. तो मैंने उनकी वो तमन्ना पूरी की, बिकॉज 2012 में पूरा दौर जो है करीबन 6 to 8 months मैं कंटिन्यूस सुप्रीम कोर्ट में अटेंड करी और मैंने अपील पूरी कंडक्ट करी. एंड मतलब मुझे ऐसे सुकून हुआ कि नहीं, मैंने उनकी जो तमन्ना थी वो मैंने पूरी की. अल्हम्दुलिल्लाह 10 लोगों का जो डेथ सेंटेंस था वो कम्यूट होके लाइफ हो गया, वो कम्यूट होके लाइफ हो गया. और उस वक्त ओपन कोर्ट में जब 21 मार्च 2013 को जब जजमेंट सुनाया गया बीबी बॉम्बलास केस का, तो उस वक्त जस्टिस साता शिवम जो सीनियर जज थे, उन्होंने कहा, मिसेस शाह, वी हैव एक्सेप्टेड योर आर्ग्यूमेंट्स. दैट डे वॉज रियली अ ग्रेट डे फॉर मी, बिकॉज यू नो, पैसे तो हर इंसान कमा लेता है, सब कुछ कमा लेता है, लेकिन ये जो अप्रिसिएशन है, ये जो बोल है कि वी हैव एक्सेप्टेड योर आर्ग्यूमेंट्स एंड वी कम्यूट द डेथ सेंटेंस टू लाइफ, दिस वॉज समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दिस इन माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह. कभी आपको हिजाब को लेके आज इतना, जैसा आपने पूरी जर्नी बताई है 1992 से लेके तो 2013 और अभी तक भी हम आपको जानते हैं, तो कभी हिजाब के बारे में कभी किसी ने ऑब्जेक्ट लिया कि आप हिजाब पहनती हो या ये करती हो, कभी एक कैसा लगा आपको हिजाब में? देखिए, वैसे मतलब मैं फ्रैंकली बोलूँगी, पहले जैसे मैंने कहा आपको कि मैं पहले सर पर दुपट्टा रखती थी, नो डाउट अबाउट इट, बट कोर्ट में जाने के बाद मैं कंटिन्यूस नहीं रखती थी. लेकिन जब डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया तो 2011 से मैने फिर टोटली अपने आप को कवर कर लिया. व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट जज, तो कभी जजेस ने भी कुछ आपके हिजाब के बारे में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. हालांकि नहीं नहीं, कोई कोर्ट में मुझे ऐसा कभी ये नहीं सुनने मिला. इनफैक्ट यू नो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पहरेदार खड़े रहते हैं ना, पुलिस वाले, सिक्योरिटी एंड ऑल, तो ऐसा हुआ कि उन लोगों की एवरी मंथ ड्यूटी चेंज होती है. तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं कंटिन्यूस जाती थी तो लोग जानते थे, तो कभी किसी ने रोका नहीं. बट ड्यूटी चेंज होने के बाद एक जो नए सिक्योरिटी वाले आए थे तो वो ऑब्जेक्ट करने लगे थोड़ा सा. तो मैंने उनसे कहा कि जब जजेस मुझे नहीं बोलते हैं कि मैं ऐसा क्यों आती हूँ, उनके सामने क्यों खड़े रहती हूँ, तो आप कौन है बोलने वाले? तो फिर वो दूसरा सिक्योरिटी वाला जो कंटिन्यूस रहता था वो आ गया. उन्होंने कहा, नहीं नहीं मैडम को जाने दो, वो ऐसे ही जाते हैं. तो यू नो, इट वाज
समथिंग वेरी यूनिक, नो डाउट अबाउट इट. बट उन्होंने कभी मुझे एक क्वेश्चन नहीं किया कि व्हाई यू आर कमिंग. अभी जो आजकल हिजाब का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, कर्नाटक का हाई कोर्ट दिल्ली जो है उसके ऊपर हियरिंग्स कर रही थी, जी क्या लगता है बीइंग इन, देखिए हिजाब, हिजाब आप अगर देखो तो ये आपके लिए, ये आपके लिए कोई हर्डल नहीं है. जी मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, जहाँ तक कि मैं एक लेमैन हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं सोचता हूँ यार ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का मामला, ये इतनी सिंपल चीज़ें, तो कर्नाटक का हाई कोर्ट इसको 7 दिन क्यों चला रही है डेली बेसिस पे? एक लॉ पॉइंट पे बात है जो उनके सामने मैटर गया है, तो 7 दिन कंटिन्यूस चलाना उसके बारे में क्या है? और उस अभी भी ऑर्डर शायद पेंडिंग है मेरे ख्याल से, हाँ हाँ, बिकॉज 11 मार्च के बाद है ना, 7 दिन एक ही चीज को चलाना, एक्चुअली क्या है? देखिए मैं, मुझे ऐसा लगता है, और फ्रैंकली स्पीकिंग यू नो ये हिजाब को एक मुद्दा बना दिया गया है, पॉलिटिकल पॉलिटिसाइज कर दिए है. कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिली तो किसी न किसी चीज को ले लो, अब वुमेन के हिजाब को ले लिया उन्होंने, द कोर्ट शुड अंडरस्टैंड, हां ऑफ कोर्स नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट. बट ऑनरेबल कोर्ट में देखिए, अभी जैसे कोई सर्कुलर निकालता है या कुछ भी अमेंडमेंट आता है, कुछ भी चीज़ है, तो डेफिनेटली इट हैज़ मैनी डूज एंड डोंट्स. आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये ऐसा और वो वैसा. नहीं जैसे अभी देखिए मैं बताऊं कि जैसा आप हो, आपने अपनी थ्रू आउट द लाइफ हिजाब पहना है जो भी है, और अचानक ये सब चल रहा है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो आप क्या सोचोगे? नॉट बीइंग अ लॉयर, आप क्या सोचेंगे अरे यार मैं तो स्कूल गई थी, मैं हिजाब में पहनती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अभी क्यों आ रहा है कोर्ट में, इतनी क्या सुन रहा है? एक आम आदमी की सोच बदल जाती है उसमें. जी जी बिल्कुल, लेकिन ये सोच बदल जाती है तो हमें इस सोच के ऊपर नहीं चलना चाहिए. हमें अपने जो हुकूक है और अपने राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हर चीज़ वो करनी चाहिए जो एक आम आदमी कर सकता है. यू शुड नो व्हाट आर योर राइट्स. क्या लगता है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स? देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि क्या आएगा, सब्जुडाइज हो जाएगा मैटर बिकॉज इट इज़ स्टिल पेंडिंग, बट आई स्टिल हैव फेथ कि इंशाल्लाह जो भी जुडिशरी का जजमेंट होगा वो इंशाल्लाह सबके हक में ही होगा, नो डाउट अबाउट इट. क्यों नहीं दिया गया आपके हिसाब से, एनालाइज करते हैं इसको आप भी ना, बिकॉज मैं भी थोड़ा लॉ स्टूडेंट हूँ और आप आए तो मेरे को लगता है कि सॉरी मैंने भी LLB किया है, तो मुझे एक बात बताइए कि स्टे क्यों नहीं दिया गया? क्यों जनरली केसेस में स्टे दिया जाता है? हाँ हाँ. कि अगर इतने साल से एक स्कूल चल रही है, लड़कियां हिजाब पहन के आ रही है, और कुछ दूसरे लोग आके कह रहे हैं कि हम हिजाब के बदले हम ये पहनेंगे, तो स्टेटस को क्यों नहीं दिया गया? देखिए वो क्या रीजन हो सकता है? वो अंडरस्टैंडिंग अभी आप समझ लो, ले लो कि एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में जाती है, स्कूल यूनिफॉर्म का अगर कलर उसका जो है स्कूल यूनिफॉर्म का, सपोज यही ले लो आप क्रीम, अब मैंने इसी के ऊपर क्रीम कलर का स्कार्फ ओढ़ लिया तो देर इज नथिंग रॉन्ग, है ना, बिकॉज इट मैचेस विथ माई यूनिफॉर्म. कोई अलग चीज नहीं है कि मैं ब्लैक पहन रही हूँ, नहीं उनका मानना मेरे हिसाब से ये है कि उनके जहन में ये आता है कि एक लड़की हिजाब में जाती है मतलब वो काले बुरखे में ही जाती हो या काला बुरखा और ऐसे नकाब पहनती हो. जो पिक्चर्स हमने देखे हैं, जो वीडियोस हमने देखे हैं, वो तो काले बुरखे में, वो बिकॉज वो आम लेडीज आई है ना. मेरा सवाल ये है, आम लेडीज आई है ना. जी जी, आम लेडीज जो है, अब हर लेडीज आपको स्कार्फ पहन के नहीं मिलेगी या ऐसे नहीं मिलेगी. आम लेडीज तो मोस्टली, मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर ब्लैक बुरखा, और ब्लैक बुरखा पहनना भी कोई गुनाह नहीं है, इट इज नथिंग रॉन्ग. तो वो उनके दिमाग में ये है राइट नाउ, कोर्ट क्या डिसाइड कर, दिमाग में ये है. क्या लगता है आप, आपने तो उसको फॉलो अप किया होगा, क्योंकि मुझे मुझे यकीन है कि आपने उसके ऊपर बहुत फॉलो अप किया होगा बारीकी से. कोर्ट अभी क्या किस चीज पे फैसला कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैन नॉट गो विथ एनी अदर थिंग. अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हिंडर होता है ना, तो यू कैन फाइट फॉर इट. तो यू हैव टू ब्रिंग फोर्थ बिफोर द कोर्ट कि दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड नोबडी कैन इन्फ्रिंज दैट राइट, बिकॉज आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लिव एंड लिबर्टी. बहुत सारे राइट्स है जो हमारे खुद के राइट्स है. तो हमको इसको कट शॉर्ट करते हैं, सवाल बहुत है क्योंकि ये मैटर्स बहुत चलते रहेगा और कंट्रोवर्सी व्हिच गोस ऑन, और क्योंकि आप भी लॉयर हो और मैंने भी लॉ किया है तो ये आर्गुमेंट चलते ही रहेगा. और ये जस्ट फॉर दिस थिंग बहुत लंबा इंटरव्यू गया, हम बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते थे क्योंकि हमको दिखाना था कि एक हिजाब में जो लेडीज है वो एक अच्छी माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बिजनेस वूमन भी हो सकती है, जैसे हमने इसके पहले आपको बताया, एक स्पोर्ट्स वूमन भी हो सकती है और इनकी तरह एक लॉयर्स भी हो सकती है. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. पर एक थोड़ा सा ये पूछना था, कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, इंस्पायरिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव मेरे हिसाब से, बिकॉज एक औरत मतलब
जो भी अपनी फील्ड में वो आगे बढ़ती हैं, नो डाउट कभी ये सोच के, मैंने खुद ये नहीं सोचा था, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी किसी और का एग्जाम्पल देने के बाद, कि जो भी मैंने काम किया इतने सालों में, जो भी लोगों को डिफेंड किया और आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले ये अल्लाह ताला का करम है, आप सबकी दुआएं हैं। लेकिन जो भी मुकाम एक लड़की या एक औरत हासिल करती है, उसका ये नहीं है कि वो किसी मकसद से करती है, बस ये रहता है कि नहीं हम कुछ करें, कम्युनिटी के लिए कुछ करें, सोसाइटी के लिए कुछ करें, कुछ अपनी फैमिली और कुछ अपने आने वाले जनरेशन को इंस्पिरेशन दे उससे। तो मेरे हिसाब से आपका ये जो प्रोग्राम है, अल्हम्दुलिल्लाह, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। यस यस ऑफ कोर्स, बिकॉज देखिए आज जो मुकाम पे हम खड़े हैं, तो मुझे देख के काफ़ी लोग बोलते हैं, बिकॉज कितने लोगों ने मुझे कहा भी है कि आपको देख के हम हमारी बच्ची का एडमिशन लॉ में करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आगे चल के इंशाल्लाह और भी, हम दुआ करेंगे कि और भी आप लोगों को अल्लाह ताला तरक्की दे। इंस्पिरेशन इज ऑलवेज देयर, दैट शुड ऑलवेज बी देयर विद एवरीवन। एक छोटा सा हमारी तरफ से आपको एक ये जो है लॉ कहते हैं, बैठ 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 ना तो जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटा सा अवार्ड कहिए आप इसको, लॉ कैटेगरी में बहुत सारी पब्लिक ने आपका नाम लिया और मैंने भी खुद आपका रिकमेंड किया, बिकॉज आई नो यू सिंस लॉन्ग। तो ये हमारी तरफ से छोटा, और ये जी आइए, ये बशीर मेहंदी वाले इनकी तरफ से छोटा सा एक आपको गिफ्ट, बैठ के ठीक है। ठीक, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह बढ़िया।